देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। जवाब क्या? फासिज्म का एक ही जवाब है, देश का जागृत। जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब गांधी मैदान में यही नारा गूंजा था और इसकी गूंज काफी दूर तक गई। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था। नई दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता मनोज सिंह की एक खास रिपोर्ट। जयप्रकाश जनता दल कोर कमेटी की बैठक संपन्न। दिल्ली मयूर विहार में जयप्रकाश जनता दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार में जयप्रकाश जनता दल के संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही बिहार से प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम आए थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने धनंजय सिंह के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उनके नाम पर अपनी सहमति जताई है। गौरतलब हो कि धनंजय सिंह को वर्षों से राजनीतिक अनुभव है। धनंजय सिंह ने भाजपा पटना नगर अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जयप्रकाश जनता दल की सदस्यता ली। जयप्रकाश जनता दल की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय के बाद धनंजय सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे, ऐसा जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने मीडिया को संबोधित करते हुए सारी बातें बताई। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज के बाद जयप्रकाश जनता दल बिहार प्रदेश की कमान धनंजय सिंह के हाथों में दे दी गई है। आज से जयप्रकाश जनता दल के विचारों को आगे बढ़ाने का काम प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होगा। साथ ही जयप्रकाश जनता दल परिवार ने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष धनंजय सिंह के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज नए नेता का चुनाव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में होंगे शामिल। दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयास के तहत थोक खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए दालों की स्टॉक सीमा लागू करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश जारी। सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासों से दलहन और तिलहन की कीमतों में गिरावट का रुख। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। कोविड के बावजूद अर्थव्यवस्था फिर से तेजी की तरफ। देश में निर्यात ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पहली तिमाही में 95 बिलियन डॉलर का निर्यात। 2020-2021 में अब तक का सबसे ज्यादा 6 लाख करोड़ का एफडीआई। उन्नीस जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। सरकार आगामी सत्र में कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। 20 कार्य दिवसों का सत्र 13 अगस्त को होगा समाप्त। कोविड टीकाकरण अभियान लगातार जारी। 21 जून को फ्री फॉर ऑल टीकाकरण के शुभारंभ के बाद से पहले 11 दिनों में कुल 8 करोड़ से अधिक खुराक के साथ कुल 34.41 करोड़ से अधिक दी गई वैक्सीन की खुराक। कल शाम 7 बजे तक 38,88,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। कोविड के खिलाफ जंग जारी। रोजाना करीब 46,000 मामले आ रहे हैं सामने। ई संजीवनी के तहत अब तक 70 लाख से अधिक टेली कंसल्टेशन। केंद्र ने
म्यूकोर माइकोसिस के इलाज के लिए लिपोसोपल एम्फोटेरेसिन बी की अतिरिक्त 1,14,000 शीशियां आवंटित की। तमिलनाडु और गोवा ने और ढील के साथ एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन का विस्तार किया। स्पेन और इटली ने यूरो कप के सेमीफाइनल में बनाया स्थान। पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त। वहीं इटली ने रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। और भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने विंबलडन के मिश्रित युगल के दूसरे दौर में जगह बनाई। सानिया और बोपन्ना ने पहले दौर में अंकिता रैना और रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी को दी शिकस्त। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच पहुंचे चौथे दौर में, वहीं एंडी मरे हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर भोजीपुर.लाइव ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार, बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर.लाइव। आज खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो, खबर वो जो हकायक पर मुखर हो, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शौर को उजागर करे। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़।